केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल की गई ताज नगरी में वर्ष 2019 में आगरा नगर निगम ने महिलाओं के लिए 30 पिंक टॉयलेट बनाने की कवायद की थी। महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक टॉयलेट का पूरा शहर भर में 30 अलग अलग स्थानों पर निर्माण भी कराया गया था। इन पिंक टॉयलेट के देखभाल कर रही कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों का आरोप है कि टॉयलेट के शुरू होने से आज तक उन्हें कोई भी भुगतान नहीं दिया गया है। मुगलिया सल्तनत की इमारतों को संजोए बैठे शहर में देसी विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इसके साथ ही यहाँ हर रोज आसपास के जनपदों और गांवों से लोगों का हर रोज आना होता है। प्रदेश सरकार भी महिलाओं को लेकर बेहद सजग है। बार बार महिलाओं के लिए सुविधाओं का ऐलान भी किया जा रहा है। शहर के सभी बड़े और मशहूर स्थानों पर पिंक टॉयलेट की स्थापना की गई है, लेकिन यदि जमीनी हकीकत पर गौर किया जाए तो दर्जनों की संख्या में ऐसी पिंक टॉयलेट को भी देखा जा सकता है। महिलाओं के लिए शुरू की गई इन टॉयलेट को अब अपने ही दरवाजे खुलने का सालों से इंतजार है। बड़ी हैरत की बात है कि इन पिंक टॉयलेट के लिए केयर टेकर को भी नियुक्त किया गया था। इन महिला केयर टेकरों को स्वच्छता दीदी नाम भी दिया गया, लेकिन आज उन्हें इस नाम से पुकारने वाला तो दूर, उन्हें मिलने वाले भुगतान के बारे में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है। ताले के हवाले की गई ये पिंक टॉयलेट आज महज शहर में ताले लगे होने के बावजूद झूठी शान का सौदा बन चुकी है। नाम बता दीजिए। भगवान देवी। भगवान देवी, आप यहाँ नहीं? हाँ, मैं ड्यूटी कर रही हूँ दो साल से ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन पैसा नहीं मिलता। मुझे पैसा नहीं मिलता, पैसे दो दो महीने हो जाते हैं, मुझे पैसा देते ही नहीं। 4,000 रुपये उसमें से अभी काट काट के ले जाते हैं। कभी 500 ले गए, कभी 600 ले गए, कभी 700 ले गए, पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और कोई मतलब व्यवस्था तो कोई चीज़ की है नहीं, पानी फानी की नहीं है। क्योंकि ये कट गया 3 बार कहिए, न कह रहे कि हाँ कहिए कहिए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। महिला किन हालातों में इसको उपयोग करती है? महिला फिर किन हालातों में उपयोग करती है? महिला तो आती है, पेशाब टट्टी अट्टी नहीं कराती, लेटरिन नहीं कराती हूँ, लेटरिन कराऊंगी पानी कहाँ से लाऊंगी मैं? तो अपनी जेब से पानी मंगाते हैं। आप पानी अपनी जेब से मंगाते हैं क्या? पानी अपनी जेब से मंगाते हैं? अपनी तरफ से मंगाते हैं, लड़के को पैसे दे के, मुसलमान का लड़का है उसको पैसे दे देती हूँ। बेटा साहब, मैं अपने इसमें सामान रखूँ, झाड़ू है, कुर्सी है, पेशाब में मैं अपनी झाड़ू का कुर्सी थोड़ी रखूँगी। नहीं, आगरा नगर निगम द्वारा आगरा में महिलाओं की सुविधाओं के लिए 30 पिंक टॉयलेट बनाए गए थे, जिनके नगर निगम द्वारा 45 लाख की लागत से इन पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इन पिंक टॉयलेट पर ताला लटका रहता है। हम मौजूद हैं पालेवाल पार्क की एक पिंक टॉयलेट पर, आप देख सकते हैं यहाँ ये ताला लटका हुआ है, ना ही टैंक पे पानी है और ना ही जो यहाँ पे हाथ धोने के लिए नल लगा हुआ है सिंक पे, वहाँ पे भी वो नल मौजूद नहीं है। ज़्यादातर पिंक टॉयलेट के आगरा शहर के यही हालात हैं, ना यहाँ तो पानी की सुविधा है और ना ही नल है। नगर निगम द्वारा इन 30 पिंक टॉयलेट पर केयर टेकर महिलाओं को बैठाने का दावा किया गया था, लेकिन वो दावा भी खोखला साबित हो रहा है। जब दर्पण न्यूज़ के टीम द्वारा सुल्तानगंज स्थित एक पिंक टॉयलेट की केयर टेकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें नगर निगम द्वारा अभी 2 साल तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। इन हालातों में वो इन पिंक टॉयलेट पे कैसे नौकरी कर सकती हैं? दर्पण न्यूज़ के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट।